नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बता दें आपको, हिमाचल के सोलन में बादल फटा है। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बादल फटने से तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला है। फ्लैश फ्लड में दो घर बही है, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। सोलन हादसे पर सीएम सुक्कू ने दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद प्रशासन द्वारा दी जाएगी, इसका स्पष्टन दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बादल फटने की घटना, फ्लैश फ्लड में दो घर बह गए हैं, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है इस फ्लैश फ्लड में। सोलन हादसे पर सीएम सुक्कू ने दुख व्यक्त किया है। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बादल फटने से तबाही का यह मंजर देखने को मिला है। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बादल फटने की तबाही, लगातार मौसम खराब बना हुआ है, जिसको लेकर राज्य मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। फ्लैश फ्लड में दो घर बहे हैं, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। सोलन हादसे पर सीएम सुक्कू ने दुख व्यक्त किया। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, इस वक्त की बड़ी खबर, बादल फटने से तबाही का यह मंजर देखने को मिला है। फ्लैश फ्लड में दो घर बहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। फ्लैश फ्लड में दो घर बह गए हैं। तो सोलन हादसे पर सीएम सुक्कू ने दुख व्यक्त किया है। हिमाचल के सोलन में बादल फटने की घटना सामने आई है, बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी। बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है, बड़ी और अहम जानकारी। फ्लैश फ्लड में दो घर बह गए हैं, तो एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सोलन हादसे पर सीएम सुक्कू ने दुख व्यक्त किया है। हिमाचल के सोलन में बादल फटने की घटना सामने आई है, बादल फटने से तबाही का यह मंजर, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने दुख व्यक्त किया है इस हादसे में और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन यहां पर दिया गया है। सोलन हादसे में सीएम सुक्कू ने दुख व्यक्त किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, लगातार मौसम जो है पहाड़ी इलाकों में खराब बना हुआ है और ये फ्लैश फ्लड की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है। दो घर बह गए इस फ्लैश फ्लड में, जानमाल का नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बना हुआ है, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, तो फ्लैश फ्लड में दो घर बहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। फ्लैश फ्लड में दो घर बहे हैं, लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। सोलन हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भयावह मंजर, तेज बारिश के बीच फ्लैश फ्लड में आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो मलबा ही मलबा है और दो घर जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। चिन्मय कौशल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिन्मय, यह हादसा बेहद दर्दनाक यहां पर हुआ है, फ्लैश फ्लड की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से लगातार जो स्थितियां हैं पहाड़ों पर वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। फिलहाल अभी क्या वहां पर स्थिति है, कितने लोगों की मौत हुई है? जी, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पहले जब करीबन ये 1:30 बजे है बादल फटा है और मबलीक के जागो गांव में ये जो हादसा है वो हुआ है, और जैसे ही बादल फटा वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। वहां पर जो गौशाला थी, गौशाला भी वहां से पूरी तरह से टूट गई है, जानवर उसमें बह गए हैं, और साथ में ये बताया जा रहा है कि जो 7 लोग थे वो मिट्टी के बलबे में दब गए थे और जिनको निकाला गया तो उनके शव मिट्टी से अब निकाल लिए गए हैं। जो अब ऊपर से बारिश हो रही है, तेज बारिश होने के कारण वहां पर दलदल जैसे हालात है वो बन गए हैं, पेड़ भी टूट रहे हैं,
और साथ में जब दलदल जैसे हालात हो गए हैं तो वहां पर मशीन चलाने भी मुश्किल हो गई है। लोग आसपास के गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी मदद वहां पर कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बारिश होने की वजह से वहां पर कीचड़ हो गया है, दलदल हो गई है और लोगों में दहशत भी है कि कहीं फिर से बादल ना फट जाए। तो ये लेकिन सुखद बात यह है कि वहां पर जो प्रशासन है मौके पर एकदम पहुंच गया है, जेसीबी मशीन है वहां पर पहुंची है और आगे हालात ना बिगड़े इसलिए सारी जो मेजरमेंट है वो वहां पर लिए जा रहे हैं और किसी भी तरह की जो दिक्कत परेशानी है लोगों को ना हो, उनको कहाँ शिफ्ट करना है, उनका उनको खाने पीने का इंतजाम करवाना है, वो सभी वहां पर जो प्रशासन है अब जुटा हुआ नजर आ रहा है। राज्य मौसम विभाग का भी फिलहाल क्या कुछ पूर्वानुमान है, अब ये कब तक इस तरीके का मौसम बना रहेगा? अभी जो लगातार बारिश हो रही है ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे के लिए ये बारिश है, लगातार ऐसे ही होती रहेगी। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, बादल फटने की घटनाएं यहाँ इस सोलन जैसे जिला में बहुत कम देखने को मिलती थी लेकिन अब लगातार यहाँ पर बादल फटते हुए दिख रहे हैं, उनकी खबरें भी आ रही हैं जिसकी वजह से सभी लोग दहशत में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल चिन्मय बने रही आप हमारे साथ, तस्वीरें ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से नदियों का बहाव जो है वो काफी ज्यादा उफान पर है और अब ये तस्वीरें उस दौरान की जो फ्लैश फ्लड की वजह से ये हादसा हुआ है, दो घर जो है वो बह गए हैं। चिन्मय काफी ज्यादा स्थिति जो है वो खराब यहाँ पर बनी हुई है, नदियां जो है वो उफान पर है और मौसम बेहद खराब बना हुआ है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है? जी यहाँ पर जैसे ही कोई सूचना प्रशासन को मिलती है प्रशासन मौके पर पहुंचता है, हालांकि जो घटना घटी है करीबन रात को 1:30 बजे हुई है और ये मेन जो रोड है वहां से बहुत ज्यादा नीचे कई किलोमीटर जाकर नीचे है और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला तो वो वहां पर मौके पर पहुंचा है और मौके पर पहुंचते ही जेसीबी मशीन का वहां पर तैनात कर दी गई है और वहां से जो शवों को निकालने का है वो कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिली कि और भी जो लोग हैं उसमें मिट्टी के मलबे में दबे हैं या नहीं है सभी, क्योंकि वहां पर एकदम तहस नहस हो गया है जो गांव था और वहां पर अभी भी मिट्टी है मलबा है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है नाहन के कंडेवाला में फटा बादल, इस वक्त की बड़ी खबर, 3 पशु एक दुकान एक गाड़ी जलमग्न हो गई तो 30 से 40 बीघा जमीन भी बही है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रात बचाव का काम जो है वो जारी है तो नाहन के कनेवाला में आप देख सकते हैं बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है, 3 पशु एक दुकान एक गाड़ी जो है वो जलमग्न हो गई और अचानक से बादल फटा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रात बचाव का काम जो है वो जारी है तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नान के कंडेवाला में बादल फटने की घटना सामने आई है। बड़ी खबर, नाहन के कंडेवाला में बादल फटा है और जानकारी यहां पर मिल रही है, 3 पशु एक दुकान एक गाड़ी जलमग्न हो गई है, लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है, 30 से 40 बीघा जमीन भी बह गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी शिमला से आ रही है, सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, जी हां बड़ा और अहम फैसला, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया गया है, फीडबैक लेने के बाद ये फैसला जो है वो लिया गया, मौसम खराब बना हुआ है, उपायुक्तों से फीडबैक लेने के बाद फिलहाल ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया गया है, फीडबैक लेने के बाद ये फैसला लिया गया है, उपायुक्तों से फीडबैक लेने के बाद फिलहाल ये फैसला लिया गया, सीएम सुक्खू का बड़ा और अहम फैसला, जो लगातार मौसम खराब बना हुआ है ऐसे में कोई अनहोनी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, सभी उपायुक्तों से ये फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान जो है वो बंद रहेंगे जब तक मौसम जो है वो खराब रहेगा, सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया गया है, फीडबैक लेने के बाद ही मुख्यमंत्री द्वारा ये फैसला लिया गया, उपायुक्तों से फीडबैक लेने के बाद ये फैसला लिया गया है, सीएम सुक्खू का बड़ा और अहम फैसला, बता दें आपको बड़ी खबर, सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया गया है, फीडबैक लेने के बाद
ये फैसला लिया है उपायुक्तों से फीडबैक लेने के बाद, क्योंकि लगातार मौसम खराब बना हुआ है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और ऐसी स्थिति में असुरक्षित है बच्चों का स्कूल जाना ऐसे शिक्षण संस्थानों में जो कि पहाड़ों पर हैं, और इसीलिए ये फैसला तमाम उपायुक्तों से लिए गए फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में देर रात से बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते हमीरपुर जिले में बहने वाली नदी, खड्डे व नाले पूरे उफान पर हैं। लगातार बारिश के कहर से आवाजाही जो है वो यहाँ पर निकलने वाली जो कुना खट और पूरे उफान पर है, और कुना खट में पानी का जो बहाव है वो इतना ज्यादा है कि आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। क्षेत्र में सड़कें टूट चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना यही है कि बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, वापस जिंदगी को पटरी पर लौटने के लिए काफी समय लगेगा। भारी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर जेसीबी बुलाई गई है, किसी किसानों में जेसीबी आ जाएगी और उसका जायजा तो अभी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जेसीबी जो है आने वाली है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी है। सड़कें तो मतलब कोई पता नहीं लग रहा है कि कहाँ सड़क है कहाँ नहीं है। जी भारी नुकसान हुआ है। साथ में हमारा एक मीडियम स्कूल है, उसका भी बहुत बुरी हालत है, और मंदिर है महावली का, उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। कोई जान माल का नुकसान? अभी तक जान माल का तो कोई नहीं हुआ, लेकिन उसका सड़क का ज़्यादा नुकसान हुआ है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है मंडी से, बड़ी खबर मंडी से आ रही है। बागीनाला पर बना पुल बहा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारी बारिश के कारण ये पुल बह गया है, तो मंडी से कुल्लू वाया खचौला सड़क भी बंद हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 200 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बागीनाला पर बना पुल बह गया है, टूट गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारी बारिश के कारण ये पुल ही बह गया है, तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पुल का, किस तरीके से हिस्सा जो है वो यहाँ पर बहा है। 200 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की खबर जो है वो यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बागीनाला पर बना पुल जो है वो बहा है। भारी बारिश के कारण पुल बह गया है, तमाम जो यात्री हैं, तमाम जो सैलानी हैं वो फंसे हुए हैं। 200 से ज्यादा पर्यटक जो बताए जा रहे हैं अभी फंसे हुए हैं रास्ते में, बागीनाला पर बना पुल बहा है, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मंडी से कुल्लू वाया खचौला सड़क भी बंद हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। 200 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे, उधर बिलासपुर के शिमला मोटर नेशनल हाईवे पर दगसेज के पास तबाही का मंजर सामने आया है। 300 से 400 फीट जगह धंस गई है, जिसमें 3 से 4 मकान के साथ ही एक गौशाला और 4 वाहन इस भूस्खलन की चपेट में आए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने रोड से नीचे 3 मकान और रोड से ऊपर 6 मकानों का खाली करवा दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने नुकसान का जायजा भी लिया। वहीं भूस्खलन के कारण 6 मकानों में दरारें आई हैं। बता दें कि जिला बिलासपुर में अन्य जगह भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। अभी तक जिला बिलासपुर में करीब 120 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं नुकसान को देखने के लिए पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर मौके पर पहुंचे। 3 मकान हमारे रोड एड पे थे, उनको हमने खाली करवाया, जो उनको शिफ्ट कर लिया है, और 6 मकान हमारे रोड से ऊपर है, जिनमें से 6 के 6 मकान जो हमने शिफ्ट कर लिए, इन सभी लोगों को शिफ्ट कर लिया है, और इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया हमने, सारा सामान इनका उठा के ये कर लिया। और अभी जो नुकसान हुआ है, एक गौशाला अभी तक पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। मेरे को कोई 6 बजे फ़ोन आया था सुबह कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। यहाँ पर हमने अभी 8 परिवारों को जो है शिफ्ट करवाया, घर भी खाली करवाए उनके, और सारा सामान भी शिफ्ट करा रहे हैं, स्कूल खाली करवा रहे। बिलासपुर जिला में लगातार हो रही 3 दिनों से बारिश का मंजर जहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर तबाही भी काफ़ी देखने को मिली है। शिमला नेशनल हाईवे नमोल के साथ लगते दगसेज के पास भारी लैंडस्लाइड सुबह के समय हुआ है, जिसमें 3 मकान, 1 गौशाला गिर गई है, और साथ में 2 बड़ी गाड़ियां और 1 छोटी गाड़ी भी चपेट में आ गई है। तो वहीं पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और नुकसान का जायजा स्थानीय लोगों के साथ लिया जा रहा है। तो वहीं पर प्रशासन के द्वारा साथ लगते 6 मकानों को भी खाली करवा दिया गया है, क्योंकि ये जोन
पूरा धस चुका है और कभी भी यहाँ पर भारी और लैंडस्लाइडिंग इन मकानों को हो सकती है, जिसको लेकर 6 मकानों को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खाली करवा दिया गया है और स्थानीय लोगों को रहने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा नजदीकी घरों में किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम इस समय उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर इन घरों को अभी भी खतरा बना हुआ है और काफी बड़ी बड़ी दरारें इन घरों में पड़ी हुई है। जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार रात से ही लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजधानी शिमला के दुधली में भारी बारिश के बाद आज तड़के लैंडस्लाइड होने से सड़क के किनारे पार्क में रखी 3 गाड़ियां भूस्खलन की चपेट में आ गई। गाड़ी के मालिक और साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा सुबह के समय हुआ है। दबी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी और क्रेन मौके पर है। उधर सुक्कू सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कई तरह के प्रयास भी कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चंबा जिले के तहत आने वाले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तिलका में दरअसल स्कूल की बिल्डिंगों की कमी के चलते बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में बिल्डिंग न होने से बच्चे परेशान है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि बिल्डिंग निर्माण को लेकर शिक्षा विभाग ने से बातचीत की जा रही है। हमारे स्कूल में कमरों की बहुत कमी है, जिसके कारण हमें गर्मियों में बाहर रहना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाए। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे स्कूल में कमरों की बहुत कमी है, इसलिए हमें बाहर गर्मियों में बाहर बारिश में भीगना पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनवाई जाए। खास करके बारिश जब होती है बहुत मुश्किल आती है इसमें, और बच्चे कोई शेड में बैठते हैं, कोई कहाँ बैठते हैं, और कई बार तो रिस्क वाली बात भी हो जाती है सर इसमें। तो बिल्डिंग का भी जो भी ये काम है, अगर ये भी अगर जल्द से जल्द हो तो बच्चों का भला होगा इसमें, और हमें भी आसानी रहेगी। रुक करेंगे इस बीच, आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही। शिमला के समर हिल शिव मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। भूस्खलन में 25 से 30 लोगों के दबे होने की खबर इस बीच सामने आ रही है। सुबह पूजा करने मंदिर आए थे लोग, जिस दौरान यह हादसे का शिकार हुए। शिमला के समर हिल शिव मंदिर के पास हुआ है यह हादसा। बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूस्खलन में 25 से 30 लोगों के दबे होने की खबर। सुबह पूजा करने के लिए मंदिर आए थे लोग, सोमवार का दिन है और शिमला के समर हिल में ये शिव मंदिर के पास बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। 25 से 30 से ज्यादा लोग दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी मौके से मिल पा रही है, कितने लोगों के वहां पर दबे होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, दो दिन लगातार प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, ऐसे में जो तबाही की तस्वीरें हैं वो भी चारों तरफ से आ रही है। बात अकेले शिमला की करें तो बीते कल से ही अलग अलग स्थानों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, और ऐसे में जो नुकसान की खबरें हैं वो भी लगातार आती जा रही है, और नुकसान जो है लगातार बढ़ रहा है। आज जो बड़ा हादसा हुआ है वो शिमला के समर हिल में शिव मंदिर के पास बताया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दबे हो सकते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से QRT भी इस मौके पर तैनात कर दी गई है। अग्निशमन और दमकल विभाग की जो वाहन है और जो फोर्स है वो भी मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इस समय ये है कि लगातार जो है मलबा जो है वो लगातार आ रहा है। ऐसे में प्रशासन को भी है जो लोगों को बचाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कितना कुल आंकड़ा है, कितने लोग इसमें दबे हुए हैं, इसकी फिलहाल जानकारी के लिए अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल आंकड़ा है कि आखिर कितने लोग इसमें फंसे। लेकिन जो स्थानीय लोगों की के मुताबिक उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जब बताएं तो अभी 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो इसमें दबे हो सकते हैं। जी
बिल्कुल, अभी वहां पर अभी भी क्या बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग दबे हुए हैं, मौसम कैसा बना हुआ है, आगे के मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान जताया गया है? जी देखिए, मौसम को लेकर लगातार अगले 3 दिन तक प्रदेश में बरसात की जो है वो भविष्यवाणी की गई थी मौसम विभाग की ओर से। पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदेश में भारी बरसात जारी है, आज के दिन भी बरसात के जो है भारी बरसात रहने की जो है संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। और ऐसे में जो है लगातार खासतौर पर शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बात करें या मंडी की बात करें, आप तमाम जिलों की बात करें तो 8 जिले तो ऐसे हैं जिनको लेकर सेंसिटिव जो है घोषित किए गए हैं, जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। और उसी का सारा हमें देखने को मिल रहा है कि मंडी में भी लगातार जो है भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है, शिमला में भी भूस्खलन की खबरें जो है सामने आ रही है, लोग फंस रहे हैं। और ऐसे में जो है प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर बारिश नहीं थमी तो रिवाइवल का काम जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है प्रदेश सरकार के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह पूजा करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे, जिस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। उधर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज विधानसभा क्षेत्र भाटियात पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकासात्मक योजनाओं और जारी मॉनसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा को लेकर विकासखंड कार्यालय में बैठक की। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार के आवास योजनाओं से दूर जरूरतमंद परिवारों की सुविधा के लिए खंड स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग सर्वेक्षण का काम शुरू करे। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित आवासहीन लोगों की सुविधा के लिए भी राजस्व विभाग को आवश्यक कदम उठाने को कहा है। तो आवासहीन लोगों को जल्द ही आवास जो है वो मिलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का भाटियात दौरा, जिस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया, विकास योजनाओं की जानकारी जो है वो अधिकारियों से ली है, प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पर चर्चा जो है वो की गई है। बता दें आपको कि आपदा प्रभावितों से भी मिले विधानसभा अध्यक्ष और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन जो है वो यहां पर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का भाटियात दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार विकास योजनाओं को लेकर तमाम जो कदम है वो उठा रही है और प्राकृतिक आपदाओं में जिन घरों का नुकसान हुआ है, जो पीड़ित लोग हैं, सरकार उन तक हर संभव मदद पहुंचाएगी। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।